मैं ना गुरु अमरदास जी पे हिंदी में पीएचडी कर रही हूँ, तो गुरु अमरदास जी को पढ़ते हुए मेरे मन में उनकी वाणी से लिए हुए जो विचार आए वो मैंने एक कविता के रूप में लिखे हैं, आप सबसे साझा कर रही हूँ। उनके विचार जो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता पे लिखे, सृष्टि सृजन के समय विधाता दो प्रकार के शरीरों को रच डाला, एक को पुरुष और एक को स्त्री कह अपना अंश आत्मा रूप में उनमें डाला, दोनों को एक समान कहते हुए सृष्टि सृजन का जिम्मा दे डाला। धीरे धीरे पुरुष शरीर स्वयं को मानता गया बलवान और स्त्री शरीर का स्वामी बन गया बहुत लाचार। दोनों एक ही प्रभु का अंश होकर भी लैंगिक भिन्नता के कारण हो गए दोनों ही अलग विचारों के स्वामी। पुरुष शरीर करने लगा मनमानी और स्त्री शरीर लगने लगा उसे बेमानी। सृष्टि सृजन से इतर भी करने लगा उसका उपभोग, स्त्री शरीर चार दीवारी में बंद देने लगा अपने भाग्य को दोष। धीरे धीरे समाज में अवतरित कुछ महापुरुषों ने लैंगिक असमानता के विरुद्ध दी दुहाई। इन्हीं में से एक गुरु नानक देव ने पंजाब की धरती से अपनी आवाज उठाई, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, कहकर दिया नारी को अतः सम्मान। तीसरे नानक गुरु अमरदास ने भी लैंगिक समानता के लिए किया लेखन अपार, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, उनका ये विचार उनकी वाणी का है आधार, जिसके अनुसार स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठकर एक ही ज्योत को पहचानना होगा, परमात्मा के बनाए दोनों शरीरों में आत्मा रूपी उसके अंश को जानना होगा। सेवड भागी जिन एको जाता, कट कट वस रहा जग जीवन दाता, प्रियतम प्रभु को घर है पाना तो सदकर्मों का श्रृंगार है बनाना। प्रियतम प्रभु सबके अंदर है समाया, किसी ने स्त्री तो किसी ने पुरुष शरीर है पाया, सपना का पिर एक है पिर बिन खाली नाही। इतना कहकर स्त्री पुरुष के भेद को मिटाया, दोनों को समान समझकर एक ही पंगत में बिठाया। आज हम सभी उनकी वाणी के समक्ष शीश है झुकाते, पर वाणी रूप में जीवित गुरु की आवाज कहाँ है सुन पाते। दिन रात चलता है वाणी का मंथन अगम अपार, पर मन से न जुड़कर मात्र सुनकर ही देते हैं सब कुछ विसार। आओ आज हम सभी मन से ये ले धार, आओ आज हम सभी मन से ये ले धार कि सदियों से चली आ रही स्त्री पुरुष असमानता का करने के लिए संहार, वाणी से जुड़कर वाणी का करे प्रचार व प्रसार, कि स्त्री पुरुष का करने असमानता का करने के लिए संहार, वाणी से जुड़कर वाणी का करें प्रचार और प्रसार, भावी पीढ़ी को दे एक नई दिशा और नवाचार। हम सब मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज विचारों को अपनाएं, हम सब मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज विचारों को अपनाएं, गुरुओं की वाणी की रोशनी से समाज में उजाला फैलाएं। यत्र तत्र सर्वत्र हो जाए सभी एक समान, मानव है तो मानवता की दे खुद एक मिसाल, मानव है तो मानवता की दे खुद एक मिसाल। सबना का दाता एक है आपे बख्श करे, सबना का दाता एक है आपे बख्श करे, कहना किछु ना जावई जिस पावे तिस दे। अर्थात प्रभु अपनी इच्छा से स्त्री और पुरुष शरीर है बनाता, अपना ही अंश उनमें डाल उनमें ही है समाता। गुरु अमरदास जी के इस विचार को अपनाकर लैंगिक भिन्नता से ऊपर उठकर लैंगिक समानता का संदेश फैलाएं, लैंगिक समानता का संदेश फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।